जय माता दी। दोस्तों, तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय, बहुत ही सम्मान योग्य पौधा है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे की पूजा से हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, उनको हम अगर कोई भोग अर्पित करते हैं और उसमें तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी का महत्व इतना अधिक है, तो ऐसी तुलसी जो कि इतनी पूजनीय है, उसे हमें कैसे रखना चाहिए, कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए, कैसे उस पौधे की हम पूजा करें, उनका ध्यान रखें कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा जिस घर में विधिवत होती है, उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। ऐसे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं, जब हम तुलसी अपने घर में रखते हैं, हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हम कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इस बात पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, उस घर में सुख समृद्धि रहती है। तुलसी का सूखना इस बात का प्रतीक है कि हमारे घर में कोई परेशानी आने वाली है, हमारे घर में किसी तरह की कोई मुसीबत आने वाली है। तो किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने घर में तुलसी रखते हैं? घर में सभी प्रकार की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका वास होता है अगर हम तुलसी की पूजा विधिवत करते हैं, तुलसी का रख रखाव अच्छे से करते हैं। तो तुलसी के पास हमें कौन सी चीजें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जहां पर तुलसी रखी है वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी तरह की वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तुलसी सूख रही है, मुरझा रही है या शुभ प्रभाव नहीं दे रही है, तो कहीं इसकी वजह वहां पर रहने वाली अशुद्धता ना हो। जैसे कि आपने तुलसी रखी है और वहां पर साफ सफाई नहीं है, आपने बालकनी में रख दिया, कभी कभी वहां पर सफाई होती है, कई बार तो वहां पर चप्पलें लोग उतार देते हैं और वहां साइड में तुलसी रहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो जैसे आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैसे ही आप तुलसी की भी पूजा करें और उतना ही ध्यान तुलसी का भी रखें। दोस्तों, अगर आप साफ सफाई रखते हैं, तुलसी के पास किसी तरह की कोई गंदगी नहीं रखते हैं, तो तुलसी के शुभ प्रभाव आपको जरूर प्राप्त होंगे। कई बार हम तुलसी के पास और पौधे भी लगाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जहां पर आपने तुलसी रखी है वहां किसी तरह का कोई कांटेदार पौधा ना हो। तुलसी के पास आप फूल वाला पौधा लगा सकते हैं, लेकिन कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के गमले के अंदर आप कोई दूसरा पौधा नहीं लगाएं, इससे तुलसी का विकास नहीं होता है और वो सूख जाती है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे और तुलसी हरी भरी रहे, तो इसके लिए आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अगर आप तुलसी को अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। आपके घर में धन का भी आगमन रहेगा और तुलसी भी हरी भरी रहेंगी। दोस्तों, शाम के वक्त भी कुछ लोग तुलसी के पौधे में जल देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। शाम के वक्त यानी सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप तुलसी में दीपक प्रज्वलित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, वहां पर तुलसी की ऐसे पूजा करें कि दीप प्रज्वलित करें, लेकिन जल देने के लिए आप सुबह के समय जल दें, शाम को आप जल नहीं दें, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जल देना शाम को अच्छा नहीं माना जाता है। जब आप जल देते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप शुद्ध हो, साफ हो और आपके बाल खुले नहीं हो। कभी भी खुले बालों में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो खुले बालों में पानी टपकते बालों से कभी भी किसी देवी देवता की पूजा ना करें। तो तुलसी की जब आप पूजा करते हैं, आप अपने बाल सुखा लें, सिंदूर भर लें आपने अपनी मांग में अगर आप सौभाग्यवती हैं तो, और इस तरह से आप पूजा करें जिससे कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो। सुहागिन स्त्रियों को कभी भी जब पूजा करना चाहिए तो उनकी मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए, माथे पर बिंदी लगी होनी चाहिए। आप एकदम सौभाग्यवती स्त्री की तरह ही माँ तुलसी की पूजा करें, या किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। जरूर आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप बालों से, टपकते बालों से, जैसे पानी टपक रहा हो बालों से, ऐसे आपको तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। आपके बालों से पानी जो टपकता है वो अगर तुलसी में जाता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब हम माँ तुलसी को चुनरी ओढ़ाते हैं, अक्सर लाल चुन्नी हम माँ तुलसी को ओढ़ाकर रखते हैं, तुलसी को चुनरी ओढ़ाना बहुत अच्छी बात होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाकर रखना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो चुनरी जब पुरानी हो जाती है
तो फटे नहीं, वो फटी हुई चुनरी आप तुलसी पर ना रखें। जैसे ही वो पुरानी हो जाती है किसी भी शुभ समय पर आप तुलसी की वो चुनरी है वो बदल दें। एकादशी के दिन, शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन, ऐसे शुभ दिवस पर जब हम पूजा कर रहे होते हैं और आपने देखा कि आपके तुलसी की चुनरी पुरानी हो गई है तो आप उसे बदलकर दूसरी चुनरी उड़ा दें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। फटी हुई चुनरी अगर आप रखते हैं तुलसी पर तो आपके घर में धन का आगमन रुकता है। तो इस तरह की परेशानियां आपके घर में शुरू हो जाती हैं, गरीबी शुरू हो जाती है अगर आप चुनरी जो है माँ तुलसी को फटी हुई उड़ाकर रखते हैं। और जो आपको करना है वो ये, किसी भी तरह से आप तुलसी के पास गीले कपड़े ना फैलाएं। आपने गीले कपड़े डाले उसका पानी तुलसी पर आता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जहाँ पर तुलसी रखते हैं वहाँ पर सफाई रखें, स्वच्छता रखें, जूते चप्पल ना रखें, वहाँ पर आप किसी तरह की गंदगी ना रखें। आप ऐसे रखें तुलसी को जैसे आपने माँ लक्ष्मी को रखा है। अगर आप इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हैं यकीन मानिए आपके घर में तुलसी की जो शुभ प्रभाव होंगे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है अगर आप तुलसी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो तुलसी सौभाग्यवर्धिनी है, तुलसी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी से आप कोई भी मनोकामना बोलकर और पूजा करें वो सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है। विष्णु प्रिया है माँ तुलसी। तो जब आप इनकी पूजा करती हैं, इनका रख रखाव करें, विशेष रूप से इनका ध्यान रखें, शालिग्राम अगर आपके घर में है तो शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। तो इस तरह से आप तुलसी की पूजा करें, लेकिन आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि आपके घर में तुलसी के साथ कहीं इस तरह की गलती ना हो रही हो। अगर ऐसी गलती होती है तो आपके घर में धन का आगमन रुकता है, घर में गरीबी का आना निश्चित है अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।